वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है प्राची रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ी तितली का चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ टाटा क्लिक की अनबॉक्सिंग। मेरे पास टाटा की कुछ कूपन पड़े हुए थे एंड बीच में सेल भी चल रही थी, सो आई थॉट कि क्यों ना कुछ खरीद लूँ। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इधर से लिए हैं ना, वो आपको बाकी वेबसाइट्स पे जैसे अमेजोन वगैरह पे कंपैरेटिवली सस्ते पड़ जाएंगे डिस्पाइट बीइंग द प्रोडक्ट्स ऑन सेल। तो सेल पे होने के बाद भी टाटा क्लिक के प्रोडक्ट्स जो थे ना, वो अमेजोन वगैरह से महंगे ही थे। तो इफ़ यू वॉन्ट, यू हैव कूपन और समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप डेफिनेटली ले लो टाटा क्लिक से। अदरवाइज मतलब मुझे इतना कोई पॉइंट समझ नहीं आया कि जो सस्ते में मुझे, कंपैरेटिवली सस्ते में मुझे मिल रहा है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, उसके बजाय मैं टाटा क्लिक पे क्यों जाऊँ। मे बी शायद दे ऑफर जेन्युइन प्रोडक्ट्स गारंटी, आई एम नॉट श्योर, बट अदरवाइज एक्सपीरियंस मेरा टाटा क्लिक के साथ अच्छा ही रहा, क्योंकि मैंने जिस दिन ऑर्डर किया था उसके आई थिंक 2 दिन में ही मुझे डिलीवरी हो गई थी। एंड बॉक्स भी काफ़ी स्टर्डी था, इसके बाहर कुछ नहीं था, ऐसे ही था, ये बॉक्स काफ़ी स्टर्डी था एंड इट वॉज प्रिटी फास्ट। सो चलिए मैं खोलती हूँ उसे। तो इट्स प्रिटी बेसिक बॉक्स, सॉरी, इट्स प्रिटी बेसिक बॉक्स और ऐसा है कुछ ये, उप्स, तो इसके साथ ना मुझे एक 15 rupees ऑफ का एक गिफ्ट कार्ड सॉर्ट ऑफ या कूपन टाइप का मिला मुझे, ये है वो। एंड फिर ये उन्होंने बहुत अच्छे से पैकेजिंग कर रखी है, सारे प्रोडक्ट्स इसी में आ गए थे मेरे। एंड ये इको फ्रेंडली फिलिंग्स डाल रखी है, विच इज़ वेरी नाइस। अब इसको खोलती हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी मतलब ज़रूरत की चीज़ें ही मंगाई थी अपनी, जो कि मुझे लगा था कि काफ़ी महंगी है सारी चीज़ें, ये हो सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने पहली जो चीज़ मंगाई है वो है ये लॉरियल का हैलोरॉन मॉइस्चराइज़र। मैंने हैलोरॉनिक एसिड अपने फेस पे ट्राई किया था, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा बालों के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं और अभी तो मैंने स्ट्रेट कर रखे हैं, बट दे आर सुपर फ्रिजी एंड दे आर स्लाइटली कर्ली फ्रॉम द बॉटम एंड दे आर सुपर फ्रिजी और ऐसे एकदम गंदे से हो जाते हैं ना, स्पेशली मैं पौड़ी गई थी तो वहाँ का यू नो सिस्टम कुछ ऐसा है कि गर्म पानी कर दिया तो फिर ना गर्म पानी ही आ रहा है, तो फिर बाल गर्म पानी से धुल के कितना भी कुछ भी लगा लो सब बकवास ही हो जाता था। सो मेरे बाल उस टाइम पे और ज़्यादा फ्रिजी हो गए थे, तो अब तो मैं काफ़ी टेक केयर कर रही हूँ उनका, बट कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ये हैलुरॉन मंगाया, क्योंकि मुझे हैलुरॉनिक एसिड के इफ़ेक्ट्स बहुत ऑसम लगे थे। इफ़ यू वॉन्ट मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ, मेरे पास लॉरियल का ही हैलुरॉनिक एसिड था एंड इट वॉज अमेजिंग, लाइक ऐसा लग रहा था ना कि उसने स्किन में जान डाल दी और प्लम्प हो गया था एकदम से फेस। बट एनीवेज इनके प्राइस मैं भूल चुकी हूँ, बट महंगे ही थे यार अमेजोन वगैरह से, तो ये टोटल मुझे आई थिंक ना 1500 के आसपास तक का पड़ा था टोटल सामान, ठीक है। तो ये है हैलुरॉन का मेरा मॉइस्चराइजर, इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ एक बार, तो मैंने थोड़ा सा चीट किया है क्योंकि मैंने क्या ये यूज़ किया था, मैंने कल यूज़ किया था इसको एंड ओ माय गॉड, मैंने 1 मिनट से भी कम रखा था, इतने सॉफ्ट हो गए थे, पर इतने सॉफ्ट हो गए थे आई कैन नॉट टेल यू, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी इसको। एंड द सेकेंड थिंग इज़, ड्यू नो कि जब तुम ये क्रीम कंडीशनर वगैरह लगा रहे होते हो ना अपने बालों में, दम तुम ढूंढ रहे होते हो तो वो थोड़ा ना और थोड़ा जाने में ना टाइम लगता है, मतलब खूब सारा पानी डालना पड़ता है, यू हैव टू रिंस इट वेरी थॉरली ताकि वो सारा प्रोडक्ट बह जाए सर से अपने, बट ये इतने सॉफ्ट करे इसने बाल मेरे 1 मिनट से भी कम में, और ये आराम से रिंस भी हो गया, लाइक दिस वॉज ऑसम। और इसकी ना हेयर क्रीम भी है, वो तो नहीं ली मैंने सोचा पहले एक चीज़ ही ट्राई कर लो ना, समझना ही तो लो। तो आई थिंक इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इसमें ना SLS और पैराबीन्स हैं आई थिंक, हाँ। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको हैलुरॉन तो मिल रहा है बट एक साइड इफेक्ट ये है कि इसमें SLS है, लाइक इफ़ यू अवॉइड इट
लाइक आई जनरली टेंड टू अवॉइड प्रोडक्ट्स विद SLS एंड पैराबीन, बट इसमें है तो एक इसका एक डाउन साइड है. अगर इससे ये निकाल दूँ ना SLS, तो आई थिंक इसको मैं 10 out of 10 दे सकती हूँ. अभी मैं इसको 8 out of 10 दे रही हूँ क्योंकि SLS. ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट बहुत बेसिक है यार. निविया की क्रीम मंगाई थी मैंने, निविया की सॉफ्ट क्रीम. मेरी ऑयली स्किन है बट मुझे फिर भी मॉइस्चर की लगता है कि ना ज़रूरत पड़ रही है, तो आई यूज़ निविया गर्मियों में भी. ये निविया एंड द नेक्स्ट थिंग आई गॉट इज लाइक मेकअप प्रोडक्ट विच इज़ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा. मेरे वाला सूख गया था पुराना, वो भी मेबलिन का ही था. मस्कारा में लाइक और भी आपके डिफरेंट ब्रांड्स थे बट मैंने वो सुने नहीं थे. एंड एक चीज़ और खली मुझे टाटा क्लिक की कि उसमें लोग ना रिव्यूज़ नहीं थे इतने. लाइक अगर तुम कोई नया प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो और तुम्हें नहीं बता रहा उसके बारे में, देन यू हैव टू गो बैक टू अमेज़ॉन. देखना पड़ता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट के रिव्यू एक्चुअली में कैसे हैं, क्योंकि टाटा क्लिक में 5 से ज़्यादा रिव्यू मैंने किसी के नहीं देखे किसी प्रोडक्ट पे. मतलब 5 भी मैक्स थे, किसी में तो थे ही नहीं. सो इट इज़ व्हाट इट इज. एंड लास्टली मैंने ख़रीदा पिलग्रिम का विटामिन सी सीरम. नाउ ये मेरा तीसरा बॉटल है विटामिन सी का. मैंने आई थिंक 2-3 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए. आई थिंक नवंबर में यूज़ किया था मैंने विटामिन सी एंड आई स्टार्टेड विद गुड वाइब्स. मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, उसके सुपर ऑसम रिजल्ट्स थे. एंड देन आई वेंट बैक टू उसके बाद मैंने स्मिटन से ट्रायल प्रोडक्ट्स मंगाए थे. उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैं कमेंट्स में डाल दूँगी उसका लिंक. 199 में मुझे आई थिंक 9 प्रोडक्ट मिल गए थे. तो उसमें एक ट्रायल में था पिलग्रिम का विटामिन सी एंड अल्फ़ा आर्बुटिन का सीरम. एंड इस बार मैंने विटामिन सी लिया है विद हाइलुरोनिक एसिड पिलग्रिम का. पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स डिसेंट हैं, खुशबू अच्छी है और बहुत ही सटल है. खुशबू अच्छी है और बहुत ही सटल है, तो यू कैन यूज़ इट आँख बंद करके. एक कमी जो मुझे पिलग्रिम में लग रही है वो ये है कि ये लोग ना परसेंटेज नहीं लिखते विटामिन सी का. लाइक इसमें विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड दे रखा है बट दे डोंट मेंशन कि कितना परसेंटेज में है. यूजुअली कंपनीज डू मेंशन कि कितना परसेंटेज में हम दे रहे हैं, इसलिए मुझे लास्ट जब मैंने ट्रायल भी यूज़ किया था पिलग्रिम का तो उसमें ना मुझे जो डार्क स्पॉट्स हो जाता है एक्ने के बाद वो थोड़ा जाने में थोड़ा टाइम लगा है. बट मैंने उसको इतना फ्रीक्वेंटली भी यूज़ नहीं किया, लाइक 1 से 2 दिन में इतना नहीं किया मैंने जितना मैं कॉलेज में करती थी. तो आई एम नॉट श्योर बट इतनी इफेक्टिवली आई थिंक नहीं किया. अब मैं इसको रोज़ 2 बार लगाऊंगी तो मैं बताती हूँ आपको कैसा है. इसमें यही है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. आई थिंक सारे लोगों को ना विटामिन सी यूज़ ज़रूर करना चाहिए 25+ में, यूज़ इट, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं उनको फाइट करता है. स्पेशली जो सन से हमारा स्किन डैमेज होता है ना उसको भी बहुत काउंटर करने में हेल्प करता है. सो यूज़ इट. बस इतना ही लिया था मैंने तो इससे. एंड आई डोंट नो मैं दोबारा शॉप करूँगी कि नहीं करूँगी टाटा क्लिक से, क्योंकि प्राइसेस यार मुझे हाई लगे. अनलेस मेरे पास लाइक कूपन वगैरह है तब ले लूँगी, बट अदरवाइज स्पेसिफिकली तो मैं टाटा क्लिक पे लाइक नहीं जाऊँगी. सब अच्छा बट प्राइसेज है प्राइसेस. सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में डाल देना कि आपने कभी टाटा क्लिक से कुछ खरीदा है कि नहीं और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था. डू यू प्रिफर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर टाटा क्लिक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब, लीव अ थम्स अप. लव यू ऑल, बाय बाय.